जी सत श्री अकाल, स्वागत है तुहाडा साडे चैनल नू सस दे रिएक्शन ते, जिथे मम्मा मैं मिलके डेली कोई ना कोई नए टॉपिक ते वीडियो बनाने आ, कदी इमोशनल बयान, कदी इनफॉर्मेटिव, कदी पॉलिटिक्स, कदी कॉमेडी, कदी ड्रामा। तुसीं इन्ने अच्छे अच्छे सानू सजेशंस देंदे हो कि सानू बहुत ही अच्छा लगता है। एक साडे रेगुलर सबसक्राइबर ने जो सानू हर वीडियो ते कॉमेंट करदे ने, बहुत नवे नवे सजेशंस देंदे ने, उन्होंने सैयद आदिल उन्होंने यह सजेस्ट की है वीडियो कि असी देखिए कुरान की 90 खास और जरूरी बातें जो हर इंसान को जानना चाहिए। ते असी पहले भी मम्मा कुरान शरीफ बारे काफी वीडियो सुनिया ने, साइंटिफिक रहस्य या वैसे भी की खासियत है, ते ऐसी कौन सी 90 गल्लां ने जो शायद असी नहीं सुनिया होंगिया, चलो देखते हैं और समझते हैं इस वीडियो विचों। अगर तुसी हुण तक साडे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कर रहे हैं ते इंतजार क्यों कर रहे हो, पहले जाके सबसक्राइब करो, बेल आइकन नूं भी प्रेस कर लेना ताकि सारी साडी जिन्नी भी वीडियोज दी नोटिफिकेशन आएगी तुहानूं सब तो पहला मिल जाएगी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टार गुरु को, और दोस्तों इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए एकदम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं हूं साबिर अली और आप लोग देख रहे हैं स्टार गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको कुरान पाक की 90 जरूरी और खास बातों के बारे में आपको बताया गया है, जिनके बारे में हर हिंदू और मुसलमान को मालूम होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, और आपको कुरान पाक से मोहब्बत है तो इस वीडियो को दिल से लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर एक, गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा सलूक और अच्छा व्यवहार करो। नंबर दो, नमाज से अपने काम को अंजाम दो। नंबर तीन, जो अल्लाह में यकीन रखते हैं अल्लाह उनकी हिफाजत करेगा। नंबर चार, जमीन पर आराम और सुकून से चलो। नंबर पाँच, अल्लाह के साथ किसी और को मत पुकारो। नंबर छः, अपनी दुनियावी जिंदगी को अनदेखा मत करो। नंबर सात, अच्छे कामों की नसीहत और बुरे कामों से रोका करो। नंबर आठ, समलैंगिकता से बचा करो। नंबर नौ, औरतें अपने बनाव श्रृंगार जाहिर ना करें। नंबर दस, जमीन पर सेखी और अहंकार से इतरा कर मत चलो। नंबर ग्यारह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। नंबर 12, अल्लाह सभी गुनाहों को माफ कर देगा सिवाय शिरक के। नंबर 13, बुराई को भलाई से दफा करो। नंबर 14, तुम में से ज्यादा इज्जत वाला वो है जिसने सच्चाई और भलाई इख्तियार की हो। नंबर 15, अल्लाह से माफी मांगो, वो माफ करने वाला और रहम करने वाला है। नंबर 16, जो तुमसे मदद और हिफाजत और पनाह के तलबगार हो उसकी मदद और हिफाजत करो। नंबर 17, अल्लाह की रहमत से कभी भी निराश मत होना। नंबर 18, पाक साफ रहा करो। नंबर 19, अज्ञानता और जहालत के कारण किए गए बुरे काम और गुनाह अल्लाह माफ कर देगा। नंबर 20, कोई किसी दूसरे के गुनाहों का बोझ नहीं उठाएगा। नंबर 21, आपस में कर्ज के मामलात लिख लिया करो। नंबर 22, इजाजत के बिना किसी के कमरे में यानी कि निजी कक्ष में दाखिल ना हो। नंबर 23, वालिदैन की बेअदबी से बचो और उनके सामने उफ तक ना कहो। नंबर 24, दूसरों का मजाक ना उड़ाओ। नंबर 25, वालिदैन की इज्जत और फरमाबरदारी किया करो। नंबर 26, लोगों से नरमी से बात किया करो। नंबर 27, अपनी आवाज को नीची रखो। नंबर 28, दूसरों की गलतियों को माफ करो। नंबर 29, दूसरों के साथ भलाई करो। नंबर 30, गुस्से को पी जाओ। नंबर 31, बदजुबानी से बचो। नंबर 32, औरतों का भी विरासत में हक है। नंबर 33, मरने के बाद हर शख्स की दौलत उसके करीबी रिश्तेदारों में बांट दो। नंबर 34, इंसाफ पर मजबूती से जम जाओ। नंबर 35, लोगों के बीच इंसाफ से फैसला किया करो। नंबर 36, सच और झूठ को आपस में ना मिलाओ। नंबर 37, आपस में भरोसा कायम रखो। नंबर 38, वादों को पूरा किया करो। नंबर 39, अगर कोई तंगी में है तो उसे कर्ज उतारने में उसकी मदद करो। नंबर 40, ब्याज यानी सूद मत खाओ। नंबर 41, यतीमों का माल नाहक मत खाओ। नंबर 42, किसी के झगड़े के मामले में लोगों के बीच सुलह कराओ। नंबर 43, यतीमों का ख्याल रखो। नंबर 44, एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ। नंबर 45, बदगुमानी से बचो।
नंबर 46, एक दूसरे के भेद ना टटोला करो और किसी की चुगली भी मत किया करो। नंबर 47, गवाही को मत छुपाओ। नंबर 48, मिस्कीन गरीबों को खिलाने की तरकीब दो। नंबर 49, अपने माल में से खैरात किया करो। नंबर 50, कंजूसी और फिजूल खर्ची से बचा करो। नंबर 51, जरूरतमंदों को तलाश करके उनकी मदद किया करो। नंबर 52, अपनी खैरात लोगों को दिखाने के लिए और एहसान जताकर बर्बाद मत करो। नंबर 53, मेहमानों की इज्जत किया करो। नंबर 54, भलाई पर खुद अमल करने के बाद दूसरों को बढ़ावा दो। नंबर 55, लोगों को मस्जिदों में अल्लाह के जिक्र से मत रोको। नंबर 56, जमीन पर फसाद मत करो। नंबर 57, सिर्फ उनसे लड़ो जो तुमसे लड़े। नंबर 58, जंग के दौरान पीठ मत फेरा करो। नंबर 59, सभी पैगंबरों पर ईमान लाओ। नंबर 60, जंग के आदाब का भी ख्याल रखो। नंबर 61, दीन में कोई जबरदस्ती मत करो। नंबर 62, हालत माहवारी में औरतों के साथ संभोग ना करो। नंबर 63, माँ बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाए। नंबर 64, खबरदार जिना के पास किसी सूरत में भी मत जाना। नंबर 65, हुक्मरानों को खूबी देखकर चुना करो। नंबर 66, आपस में फूट मत डालो। नंबर 67, किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ ना डालो। नंबर 68, मर्दों और औरतों को आमाल का सिला बराबर मिलेगा। नंबर 69, दुनिया की तकलीफ चमत्कार पर गहरी चिंता करो। नंबर 70, खून के रिश्तों में शादी मत करो। नंबर 71, मर्द परिवार का हुक्मरान है। नंबर 72, एक दूसरे का कत्ल मत किया करो। नंबर 73, हसद और कंजूसी मत करो। नंबर 74, खयानत करने वालों के हिमायती मत बनो। नंबर 75, हसद मत करो। नंबर 76, गुनाह और जुल्म व ज्यादती में मदद मत करो। नंबर 77, इंसाफ पर कायम रहो। नंबर 78, अक्सरियत में होना सच्चाई का सबूत नहीं। नंबर 79, जुर्म की सजा मिसाली तौर पर दो। नंबर 80, मुर्दा जानवर, खून, सुअर का मांस मत खाओ। नंबर 81, गुनाह और बुराई अमालियों के खिलाफ भरपूर जद्दोजहद करो। नंबर 82, शराब और नशीली दवाओं से बचा करो। नंबर 83, दूसरों की आस्था का मजाक ना उड़ाओ। नंबर 84, जुआ मत खेलो। नंबर 85, लोगों को धोखा देने के लिए नाप तोल में कमी मत करो। नंबर 86, मस्जिदों में इबादत के वक्त अच्छे अच्छे कपड़े पहनो। नंबर 87, खूब खाओ, खूब पीवो, मगर हद पार मत करो। नंबर 88, मिस्कीनी और गरीबों के डर से बच्चों की हत्या मत करो। नंबर 89, जिस बात का तुम्हें इल्म ना हो उसके पीछे मत पड़ो। नंबर 90, बदजुबानी से बचो। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे नबी के बताए हुए रास्ते पर चलने की हमें तौफीक दे, आमीन। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी दूसरे लोगों तक भी, आज जो सी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो सुनी है कुरान शरीफ बारे, ऐसी 90 खास बातें जो कुरान शरीफ विच सानू सुनन नूं मिलदियां ने, ते ऐ कह लो कि जीवन दी सच्चाईयां ने कि तुसीं छोटी छोटी गल्लां ते दस्या है और हर तरहां विच है। मुनाफा कोई ना करो, किसी नाल लड़ाई ना करो, किसी नाल प्यार नाल सब नाल रहो, ईमानदारी नाल जीवन जियो, गरीबा दी मदद करो, कर्ज लैण वाले दी, मतलब इन्नी बारीकियां ने हर एक पॉइंट ते, तुहानू फैमिली लाइफ किवें स्पेंड करनी है, हस्बैंड वाइफ दा, या तुहानू अपनी पर्सनल लाइफ किवें करनी है, सब कुछ दस्या गया है। अमल विच लियान विच ही फायदा, खाली सुन के ते फायदा नहीं है। ते अगर तुहानू लगदा है कि यह वीडियो तुहानू अच्छी लगी है, साडा रिएक्शन इहदे उपर अच्छा लग्या, ते फटाफट इहनू अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स विच शेयर कर दो, क्योंकि अच्छी गल्लां ते सब नू पता लगनियां चाहीदियां ने। अगर तुहानू यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो नू लाइक करो, साडे चैनल नू भी सबसक्राइब करना जी। सत श्री अकाल।